पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ने गूगल सर्च को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही अपने बोरियां बिस्तर बांधने पड़ गए। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और उसको रास्ते से हटाना अब नामुमकिन के करीब है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में उतर चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि चैट जीपीटी एआई चैट बॉट है। इस चैट बॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या, इसका आम लोगों को क्या फायदा हो सकता है, गूगल जैसी कंपनी भी इससे डरने पर क्यों मजबूर है, और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो आने वाले वक्त में इस चैट बॉट की वजह से बुरी तरह अफेक्ट होने वाली हैं? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन हमें सच्ची साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल कहा था कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगा। इन शॉर्ट उनका कहना था कि रोबोट्स ह्यूमंस पर हावी हो जाएंगे और शायद इस जंग का आगाज अब हो चुका है। 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था। गूगल की 20 सालों से भी ज्यादा इंटरनेट पर राज करने की सबसे बड़ी वजह फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स है। पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं उनमें से 90% गूगल पर किए जाते हैं। मूवी रिव्यू सर्च करना हो, रेसिपी या फिर स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, हर कोई सिर्फ गूगल का ही इस्तेमाल करता रहा है। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड्स और यूट्यूब समेत गूगल की और भी चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इनकी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, पर अब गूगल को इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि उनको इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की मैनेजमेंट ने रातों रात मशहूर होने वाले चैट जीपीटी एआई प्रोग्राम की वजह से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज को अलर्ट किया है। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैट बॉट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इसे जो भी सवाल किया जाए ये फट से उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है, लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें सही इंफॉर्मेशन मिलती है हम कई दर्जनों वेबसाइट्स और आर्टिकल्स पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैट बॉट सारी इंफॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो या फिर प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो, हत्ता के ये सिर्फ एक सेकंड में पूरा सोर्स कोड भी बनाने की काबिलियत रखता है। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस पे नहीं मिलते। अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है तो ये गलत नहीं होगा। आइए अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट सपोज दो एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों को सेम रूट पर 100 किलोमीटर्स का फासला तय करना है। कार ए चलती है 140 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से और उसको फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर पर लीटर, और दूसरी तरफ कार बी है जो 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है और उसको 15 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एवरेज मिलता है। अब हमें ये मालूम है कि तेज चलने वाली गाड़ी यानी कार ए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी, पर अब यही सवाल हम गूगल और चैट बॉट से करते हैं और देखते हैं कि कौन सही और आसान जवाब दे पाता है। गूगल सर्च पर हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है जो कि जाहिर है हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इन वेबसाइट्स पर जरूर इस तरह के सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन ये हमारे एग्जैक्ट सवाल का जवाब नहीं होगा। अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहाँ एआई चैट बॉट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कार ए और कार बी का नाम लेकर ये कैलकुलेट किया है कि कौन सी गाड़ी कितने लीटर फ्यूल बर्न करेगी। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था,
चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन घेर ली। सिर्फ 2 महीनों के टाइम फ्रेम में 10 करोड़ यूजर्स ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो यूजर्स चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे, उतने ही यूजर्स बनाने में टिकटॉक को 9 महीने, इंस्टाग्राम को 30, ऊबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीनों से भी ज्यादा लग गए। जैसा कि हमने पीछे जाना कि गूगल की आमदनी का लगभग 60% हिस्सा सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है और चैट जीपीटी की ये मकबूलियत गूगल सर्च के लिए खतरा बन चुकी थी। पर एक और बात भी है जो गूगल को मुसलसल सताए जा रही है और वो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। जी हाँ, इसको बनाया तो ओपन एआई ने है, लेकिन ओपन एआई के पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्च इंजन बिंग के नाम से मौजूद है। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे और तब से लेकर ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हैं, जिसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो एआई बॉट की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को डाली का नाम दिया गया है। चैट जीपीटी और डाली की कामयाबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है कि वो इन सर्विसेज को अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये बात गूगल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि आईटी की दुनिया में जो अच्छी सर्विस देगा, यूजर्स जो वैसे ही सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होते हैं, वो आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। वो बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट को फेसबुक ने रिप्लेस किया था। इसी तरह अगर गूगल को अपना सर्च इंजन बिजनेस मॉडल बचाना है तो उनको जल्द ही कुछ करना होगा। दिसंबर 2022 में गूगल ने कोड रेड इशू किया था और उसके ठीक 1.5 महीने के बाद अब गूगल ने अनाउंस किया है कि चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए उन्होंने बार्ड नामी एआई बॉट पर काम शुरू कर दिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ब्लॉग पोस्ट में इशारा दिया है कि उनका एआई बॉट चैट जीपीटी से ज्यादा होशियार होने वाला है, यानी अनकरीब दोनों एआई बॉट्स एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी एआई वॉर की स्टार्टिंग है। एआई बॉट्स सिर्फ अपने अंदर फीड की गई इंफॉर्मेशन को हम तक नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके अंदर एक तरह से सोचने की काबिलियत भी होती है। जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस वक्त और एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती जाती है, इसी तरह इन बॉट्स की इंटेलिजेंस भी वक्त के साथ मैच्योर होती जाती है। फिलहाल तो इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में इनके अंदर फीलिंग्स भी पैदा हो जाएं, जो कि शायद इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। चैट जीपीटी और एआई चैट बॉट्स के जहां इंसानों के लिए बहुत फायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी बेशुमार हैं। इनमें सबसे बड़ा नुकसान भी हम इंसानों को ही होगा, जिसमें राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्री शामिल है। सबसे पहले तो इंसान का ब्रेन, जो वैसे ही आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स की वजह से इस्तेमाल नहीं होता, उसको अब और ज्यादा जंग लगने वाला है। चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड्स में कोई भी प्रोग्रामिंग कोड बना सकता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये उसी प्रोग्रामिंग कोड में मजीद चेंजेस भी कर सकता है और किसी एग्जिस्टिंग कोड में से गलतियां भी निकाल सकता है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स और रिसर्च पेपर्स लिखने वालों को आने वाले वक्त में अपनी जॉब स्विच करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम दिनों और महीनों में किया जाता था, वो अब सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। कॉल सेंटर एजेंट्स को रिप्लेस करने के लिए इस तरह के एआई बॉट्स पे बहुत पहले से काम चल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जहां इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत आसान हो जाएगा, वहीं दुनिया में करोड़ों लोग जॉबलेस भी हो जाएंगे। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।